हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई आज 3 दिन के बाद मेरा नया व्लॉग आया है। तो भाई 3 दिन आप लोगों ने इतनी वेट की, तो भाई उसके लिए दिल से सॉरी, और साथ में भाई थैंक यू भी, क्योंकि भाई आपने इतनी वेट की। और भाई देखो, अभी मम्मी यहाँ पर बैठी है अकेली, बिकॉज अभी पापा गए है शिरडी, भाई ऊपर सो रहा है, भाभी गए है उनके मायके, तो अभी घर पर सिर्फ अभी मम्मी अकेली है नीचे और मैं अभी रेडी होकर आया हूँ। और वैसे गाइस, अभी हमारी फैमिली में आने वाले मंथ्स में बहुत सारी शादियां हैं, तो उसके लिए भाई शॉपिंग करनी तो बनती है। तो भाई देखो, मुझे तो अभी शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन भाई मम्मी को करनी है। और मम्मी की तो भाई शॉपिंग पिछले 1 महीने से चालू ही है, और अभी भी मम्मी की थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी है। तो उसमें से भाई आज मम्मी को भाई चप्पल चाहिए 2-3, क्योंकि भाई अभी शादियां इतनी सारी है, तो भाई मैचिंग चप्पल तो चाहिए ना मम्मी, सही ना। आज मम्मी को चप्पल लेनी थी, तो मैंने बोला कि चलो अभी टाइम है, तो अभी हम फटाफट जाकर आ जाते हैं। और वैसे अभी आकाश भाई भी सिर्फ 2 ही दिन घर पर है, उसके बाद भाई जा रहे हैं भाई मुंबई, और फिर वो पता नहीं 6-7 दिन के बाद आएगा। और अभी देखो 6-7 दिन तक तो भाई मैं फ्री हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक छोटी सी ट्रिप पर जाऊँ। भाई अकेला ही जाना पड़ेगा, बिकॉज अभी घर पर सिर्फ मम्मी और पापा ही है, तो अगर पापा मेरे साथ आ जाएंगे तो फिर मम्मी अकेली रह जाएगी घर पर, तो भाई ऐसा हमको करना नहीं है। तो इसीलिए भाई मम्मी और पापा इधर ही रहेंगे, भाई जाएगा मुंबई क्योंकि वहाँ पर भी शादी है भाभी के जो कज़िन ब्रदर है उनकी, और फिर मैं जाऊँगा एक छोटी सी रोड ट्रिप पे। अभी तो मुझे सोलो ही ट्रैवल करना पड़ेगा, बिकॉज है ही नहीं अभी मेरे साथ कोई, क्योंकि मेरे जो सारे फ्रेंड्स है वो भाई अभी सब बिजी है। लेनी है कि नहीं मम्मी? नहीं चप्पल लेनी है ना, तेरे पापा के बिना अच्छा नहीं लगता। और मम्मी अभी पापा घर पर नहीं है ना, तो अच्छा है क्योंकि आज तेरी अच्छे से शॉपिंग हो जाएगी चप्पल की। वो तो क्योंकि आज हम बहुत घूमेंगे। भाई अभी मम्मी रेडी हो रही है, तो अभी मम्मी को थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो भाई तब तक मैं थोड़ा वर्कआउट भी कर लेता हूँ, बिकॉज आज मैं सुबह जिम नहीं जा पाया था। लेकिन कोई नहीं, अभी अपन के पास ट्रेडमिल है और थोड़े वेट्स भी है, तो मैं थोड़ी वेट ट्रेनिंग और साथ में थोड़ा ट्रेडमिल भी कर लेता हूँ। ये अब जिम की हालत देख लो, ट्रेडमिल हो जाएगा और ये एरिया थोड़ा खाली है, तो थोड़ी वेट ट्रेनिंग भी हो जाएगी। आई जस्ट अभी मैं वर्कआउट करके फ्री हुआ हूँ। और वैसे गाइस, आपको तो पता ही है कि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी हो गया है। सो गाइस, मैंने रिसेंटली फाव लाइफ साइंस का प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना शुरू कर दिया है, जो कि चॉकलेट फ्लेवर में आता है। इस प्लांट बेस्ड प्रोटीन में है पी एंड ब्राउन राइस प्रोटीन। ये हेल्प करता है अपने मसल्स को सपोर्ट करने में, और साथ ही साथ आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है, एंड आपके डेली वर्कआउट के बाद ये हेल्प करता है आपके मसल्स मास को बिल्ड करने में। इस प्लांट बेस्ड प्रोटीन में बहुत सारे इंग्रीडियंट्स है, जैसे कि पापेन एंड ब्रोमेलिन एंजाइम्स। पापेन आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, एंड ब्रोमेलिन हेल्प करता है बेटर डाइजेशन में। और इसके अंदर है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, जो कि एक बेस्ट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। फिर है पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट, इसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन है इंक्लूडिंग योर प्रोटीन। और तो और इसके अंदर है हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो कि हाइड्रेशन देता है आपके पोस्ट वर्कआउट के बाद। और इसके अंदर है फ्लैक्स सीड, जो कि एक फैटी एसिड है जो अपनी बॉडी में ओमेगा 3 के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। भाई ये जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है, वो है आपको अपने डाइट में ऐड जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है अपने डेली डाइट को देखते हुए। और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर 1 स्कूप में 25 ग्राम्स प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन गैप पूरा होता है, और भाई साथ ही साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है। आप इस प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर का 1 स्कूप कोल्ड वाटर में मिक्स करके शेकर की हेल्प से अच्छे से शेक करके कंज्यूम कर सकते हो, या फिर इसके अलावा प्रोटीन पाउडर का 1 स्कूप अपने ब्रेकफास्ट बाउल या योगर्ट में मिक्स करके भी आप कंज्यूम कर सकते हो। और गाइस, ये 100% वेगन है, एंड ग्लूटेन फ्री, सोय फ्री, डेयरी फ्री, और तो और भाई शुगर फ्री भी है। ऊपर से ये ISO एंड GMP सर्टिफाइड है, और इनके प्रोडक्ट्स में किसी तरह का हार्मफुल भाई फिलर्स, बाइंडर्स और फ्लेवर्स नहीं है। सो गाइस, आप अपने हेल्थी लाइफस्टाइल स्टार्ट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर मेरा आप कूपन कोड यूज करोगे VIVA20, तो भाई आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा उनके वेबसाइट पे। तो भाई जाओ जल्दी से ये प्रोटीन पाउडर बाय करो। सो गाइस, बी वाओ नेचुरली। भाई देखो, मम्मी भी रेडी हो गई। मम्मी अभी क्या बोल रही थी? तो मैं तो भूल गई थी, हमको जाना है ना घूमने के लिए। हाँ, लेकिन कहाँ पर जाना है वो भी मत बताना। हाँ, वो नहीं बताऊंगी, तो उसकी शॉपिंग तो मैं भूल ही गई। मम्मी तेरे दिन देख कितने अच्छे चल रहे हैं भाई, शादी की शॉपिंग, फिर घूमने जाने उसकी शॉपिंग, फिर अभी शॉपिंग। भाई आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी को सिर्फ बहाना ही चाहिए। नहीं मम्मी, शॉपिंग करनी ऐसा नहीं है। भाई देखो, अभी मम्मी और पापा की रिटायर्ड लाइफ है, तो भाई अभी उनका भी ऐसा जी करता है कि भाई थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ले, फिर ऐसे नए नए कपड़े पहन के हम ऐसे बाहर घूमे। पर 2 साल से मैंने शॉपिंग ही नहीं की थी। भाई वैसे ये मम्मी मेरी मम्मी है, तो शॉपिंग करती है ना ऐसे छोटी मोटी, तो वो काउंट नहीं करती है। ऐसे जो बड़ी शॉपिंग हम करते है ना, वही सिर्फ काउंट करती है। भाई कोई नहीं, चलिए भाई अभी फिलहाल तो निकलते हैं। और भाई हम सब लोग घूमने जाने वाले हैं, लेकिन वो कब और किधर
भाई उसके लिए आप मेरे व्लॉग्स देखते रहना तो आपको पता चल ही जाएगा। भाई आज ना ही मैं मेरी कार लेके जाऊंगा, नहीं भाई की, आज हम लेके जाएंगे पापा की कार, बिकॉज पापा नहीं है ना तभी एक कार का फुल फायदा उठाया जाएगा। आज मम्मी की हालत फिर से खराब होने वाली है, क्योंकि जब भी मैं कार ड्राइव करता हूँ ना और मम्मी मेरे बाजू में होती है ना तो वो मम्मी को बहुत डर लगता है। अभी इतना नहीं लगता, पहले बहुत लगता था ना। पहले तो, और मैं मम्मी को पूछता हूँ कि तुझे डर क्यों लगता है, तो मम्मी के पास कोई आंसर ही नहीं होता है, बस ऐसे ही डर लगता है। नहीं, तेरी ड्राइविंग ऐसी है। ओ मम्मी, मेरी ड्राइविंग सबसे सेफ है। सेफ है, लेकिन तू चलाता ऐसे है कि एकदम से जाता है फिर ब्रेक लगाता है। मम्मी ऐसा मैं नहीं करता हूँ, पहले ऐसा था, अभी मेरा नहीं है। तो अब तो मैंने बोल दिया ना कि अभी मुझे डर नहीं लगता इतना। हाथ नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, पर तू अच्छे से चलाना। भाई आज चाहे मम्मी को डर लगे या कुछ भी लगे, लेकिन अभी मम्मी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। भाई मैं शांति से मेरी कार ड्राइव करता हूँ, ऐसे मेरे बाजू में पापा होते हैं ना तो पापा को कुछ नहीं होता है ना, भाई को, सिर्फ मम्मी को ही यही होता है, थोड़ा बहुत डर लगता है। मैं हुई फटूस। मम्मी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हुई फटूस। हाँ, ट्रैफिक से मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है। पापा की कार के अंदर पेट्रोल सिर्फ दो ही पॉइंट है। देखा मम्मी? हाँ तो पापा नहीं पापा पहले क्या बोलते थे कि भाई जो मेरी बाइक है ना मीटर, उसके अंदर मैं कम रखता हूँ, फिर बर्मिंग के अंदर मैं कम रखता हूँ, लेकिन आज तो भाई देखो कार के अंदर भी कम निकला। पर क्यों? वो जाने वाले थे इसलिए नहीं भरवाया ना। हाँ, फिर उनको पता है कि विश्व ही घुमाने वाला है तो भाई विश्व ही डलवाएगा। तो भाई पापा बड़े समझदार है, बहुत स्मार्ट है। तभी हम लोग आए हैं रिलायंस मॉल। मम्मी आज कपड़े नहीं लेने हैं तुझे ना। सिर्फ चप्पल? हाँ। क्योंकि तू कपड़े लेने जाती है ना तो तू मुझे बड़ा वेट करवा दिए, क्योंकि भाई मम्मी जब भी कपड़े की शॉपिंग पे जाती है ना तो एक दो घंटा तो भाई हमको बैठना ही पड़ता है। हाँ, पर आज नहीं लेने वाली। आज सिर्फ चप्पल? हाँ। मम्मी तुझे आज पता है कि मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? क्यों? क्योंकि देख, हम तेरे चप्पल लेने जाएंगे तो वहाँ पर मेरे शूज भी मिलेंगे। ओ नहीं, आज नहीं लेना है मुझे, जा। नहीं, वापस चलते हैं, नहीं लेना है तेरे शूज, एक भी पैर नहीं लेनी है तेरे। शूज तो लेना ही नहीं है। नहीं नहीं मम्मी, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मजाक करे कि जो भी करे, तुझे नहीं लेना भाई। मम्मी को अभी स्ट्राइक हुआ, सिर्फ मम्मी का ही लिया जाएगा भाई, मेरा कुछ नहीं। देख मम्मी, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, मेरा भी। नहीं लेना है बेटा, इतनी पैर जी कितनी तो तूने पहनी भी नहीं है अभी तक। मम्मी कोई अच्छा लगे तुझे? नहीं अभी तक कोई। वैसे बहुत सारे देखे हमने, लेकिन भाई मम्मी की चॉइस के यहाँ पर नहीं है और ना ही मेरी चॉइस के। हाँ ये अच्छे हैं मम्मी, ये अच्छे भाई। इनमें साइज होगी कि नहीं, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इतने बड़े पैर, क्योंकि मम्मी के पैर है ना थोड़े ब्रॉड है भाई। अभी यहाँ पर हम चप्पल देख रहे थे लेकिन मम्मी की साइज थी नहीं यहाँ पर। नहीं मम्मी, तो अभी कौन से मॉल जाए? सेंट्रल मॉल जाए मुझे? नहीं सेंट्रल नहीं मम्मी, इनर बीट चलते हैं, वहाँ पर सब कुछ होगा, क्योंकि एक दो जो ब्रांड है ना तो वहाँ पर तो भाई मम्मी के मिल ही जाते हैं चप्पल आराम से। हैं मम्मी, तो अभी हम लोग आए हैं इनर बीट मॉल और जस्ट अभी 7 बजे है, तो अभी टाइम हमारे पास बहुत है भाई। मम्मी की दो पैर तो हो गए शॉपिंग, ये बाटा में आए थे ना तो फटाफट हो गई यहाँ पर, अभी लेना है। और मिल गई, साइज भी मम्मी की मिल गई और अच्छे से मम्मी की चॉइस के भी मिल गए। अभी और भी लेना है? और दो पैर हमने ले ली तो टोटल हो गई 4 पैर। 4 पैर अभी लेना है? नहीं अभी नहीं। पक्का? पक्का। शूज देख रहे ना तुझे रेगुलर पहनने के लिए। भाई मम्मी को जो शूज पसंद आए थे उसमें एक साइज बड़ी थी, कम छोटी नहीं है। नहीं मम्मी, अभी अभी चलो, ऐसा ही है, जो पसंद आए वो मिलता, नहीं मिलता है वो पसंद नहीं आता। भाई आज मम्मी के साथ यही हो रहा है कि मम्मी को जो चीज पसंद आती है ना उसमें साइज होती ही नहीं है। अभी प्यूमा के एक शूज पसंद आए लेकिन उसमें एक छोटा नंबर चाहिए था तो छोटा नंबर नहीं था। क्या कर रहा है, कोई नहीं, अभी देख रहे बाकी सारे स्टोर पे। भाई फाइनली शॉपिंग हो गई। वैसे भाई मम्मी के जो शूज लेने थे हमको रेगुलर पहनने के लिए वो तो नहीं मिले, लेकिन भाई ये 4 पैर हमने ले ली
तो भाई इसमें हो गया। और जब अभी हम घूमने जाएंगे तो उससे पहले आकर भाई मम्मी के शूज ले लेंगे। आज हम बहुत घूमे हैं, अगर पापा होते ना हमारे साथ तो भाई हम इतना नहीं घूम पाते। पापा ऐसा ही बोलते कि भाई अभी सीधा सीधा चलो घर पर जाते हैं, बहुत घूम लिया हमने। लेकिन भाई आज मैं और मम्मी अकेले निकले थे ना, तो इसकी वजह से भाई अच्छे से भाई घूमकर शॉपिंग हो गई हमारी। भाई अभी हम आए हैं भाई के जो बेस्ट फ्रेंड है विजय भाई उनके घर के बाहर, क्योंकि भाई के जो कपड़े हैं लेने हैं। हाँ, और कौन से कपड़े? शादी में पहनने वाले, क्योंकि भाई अभी दो दिन में निकलने वाला है मुंबई जाने के लिए, तो मुंबई शादी है तो भाई उसमें पहनने के लिए जो कपड़े दिए थे सिलाने के लिए तो वो अभी रेडी है। तो विजय भाई लेकर आए थे उनके घर, लेकिन वो अभी है नहीं, तो अभी कोई ना कोई तो अभी हमको देखे ही जाएगा। आ गए भाई के कपड़े मुकी दोन वांदोन। अभी मम्मी गई है वेट स्केल देखने के लिए, अभी ये शॉप एक ओपन थी स्पोर्ट्स की तो वहाँ पर है, बिकॉज हमारा वेट स्केल बिगड़ गया है। तो अभी मैं फटाफट जाता हूँ कार पार्क करके। सेम ही है ना अभी? भाई वेट स्केल भी हमने ले लिया और साथ में मम्मी दिखा क्या लिया है, स्विमिंग गॉगल्स। स्विमिंग गॉगल्स लिया क्योंकि भाई अभी मैं घूमने जाऊंगा ना तो भाई मुझे पूल में पहनने के लिए चाहिए। भाई पहुंच गए घर, मम्मी के चप्पल देख चार चार पैर। क्यों? मम्मी के तो दो ही पैर है अभी ऐसा नहीं, चार पैर टोटल। ऐसा चार जोड़ी? हाँ चार जोड़ी। मेरे को लगा दो पैर है तो चार क्यों लाया। फिर देख इसके अंदर क्या है, गॉगल्स। बॉक्स एकदम गंदा है, इसका टूट गया था इसीलिए। स्विमिंग गॉगल्स हाँ, विवा फुटबॉल के लिए। अबे नहीं, विवा फुटबॉल के लिए अभी मैं घूमने जाऊंगा ना, तो घूम क्या ये पहन के घूमने जाएगा? मैं पूल के अंदर में नहाने जाऊंगा तब भी ये लेके जाऊंगा। कौन सा छपरी कलर लेकर आया तू? और अभी फिर से मैं बाहर जा रहा हूँ बिकॉज आज सैटरडे है, तो भाई आज सैटरडे नाइट हमको एंजॉय करनी है। मेरा जो एक फ्रेंड है तो वो तो भाई मेरा कब का वेट कर रहा है, तो अभी मैं फटाफट जाता हूँ। एक पापा की कार में मुझे पेट्रोल भी डलवाना है, तो वो फटाफट भाई फ्यूल डलवा के मैं जाऊंगा उसके घर, उसको पिक करूंगा और फिर भाई हम जाएंगे ऐसे चक्कर लगाने के लिए। 1/2 मंचाउ सूप, 3 मसाला पापड़, 1 फ्रेंच फ्राई। भाई अभी रात के अभी 12:30 बजने को आए हैं और इधर देखो ये मेरे भूखे फ्रेंड्स, इसको भूख लगी है, इसको लगी है, इसको लगी है। हाँ, इसको तो बहुत लगी है भाई, इसको नहीं लगी जन्म का भूखा है। मेरे को नहीं लगी कि तेरे को लगी, तेरे को ही लगी थी। हम यस की वजह से आए, अभी एक दूसरे के नाम का अभी बिल फाड़ रहे हैं ये लोग। सबसे ज्यादा भूख तो तुझे लगी थी भाई, मुझे भाई आज सब लोग एक दूसरे का नाम ही ले रहे हैं भाई। तूने यूनिवर्सल ऑर्डर दे दिया, सूप और स्टार्टर और मेन मसाला पापड़। देर इतनी हो गई है ना कि मेरा एक फ्रेंड तो कार के पीछे ही सो गया। पार्थ अभी फटाफट जा तू, उसको ड्रॉप करना पड़ेगा पहले घर। भाई भाई चल ब्रो, इसको भी ड्रॉप कर दिया और फाइनली अभी मैं घर जाऊंगा। और अभी टाइम देखो कितना हो रहा है भाई, 1:34 हो गई है। मैं जस्ट अभी मैं घर पर पहुंचा और अभी टाइम देखो ऑलमोस्ट 2 बज गए। और भाई आज तो हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, पहली बार हम इतना लेट नाइट तक हम घूमे। अभी आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, तो अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।